हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 फिट बाई 62 फिट प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसको हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों के साथ प्लान किया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पर हमारा शॉप रहेगा और हॉल रहेगा, जिसमें हमारा कार पार्किंग रहेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारा फ्रेंड्स 4 फिट का प्लेटफॉर्म है, जो कि हमने अपने ही प्लॉट से छोड़ रखा है रोड पर। यहाँ से हमारी एंट्री होती है, ये हमारी रैंप है। बीच में ये हमारा गैलरी रहेगी, जो कि 7 फिट 9 इंच चौड़ी रहेगी, और दोनों साइड में ये हमारी शॉप रहेगी। इसको हमने दो भाइयों के हिसाब से प्लान किया हुआ है। ये हमारी शॉप रहेगी 6 फिट बाई 15 फिट की, और ये शॉप भी हमारी 6 फिट बाई 15 फिट की रहेगी। फिर आप आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हॉल रहेगा पूरा, और यहाँ से हमारा सेंटर से स्टेयरकेस जाएगा, जो कि फर्स्ट फ्लोर के लिए जाएगा, और यहाँ आपकी पार्किंग हो जाएगी। और दोनों साइड में हमारा 5 फिट बाई 6 फिट का कॉमन टॉयलेट रहेंगे दोनों के अलग अलग, और बीच में ये हमारा OTS रहेगा। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर प्लान की। तो फ्रेंड्स, ये रहेगा इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान। स्टेयर से आप यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे इस साइड बैक साइड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप एंट्री करेंगे बैक साइड में, तो ये हमारा एक भाई का पोर्शन रहेगा, और यहाँ से आप एंट्री करते हैं फ्रंट पर, ये हमारा दूसरे भाई का पोर्शन रहेगा। तो फ्रेंड्स, पहले फ्लैट की बात करते हैं, फ्लैट नंबर 1 की। तो ये यहाँ से इसकी एंट्री है। एंट्री करते ही ये हमारा लॉबी एरिया रहेगा, इसको आप हॉल बोल सकते हैं। 10 फिट 1 इंच बाई 11 फिट 4.5 इंच का यहाँ हमारा किचन रहेगा, 10 फिट 1 इंच बाई 6 फिट का, जिसमें ये हमारा एल से प्लेटफॉर्म रहेगा, और ये हमारा सिंक, और ये हमारा गैस स्टोव रहेगा, और यहाँ हमारा स्टेयर की तरफ वेंटिलेशन के लिए विंडो रहेगा। यहाँ से आप एंट्री करते हैं, तो ये हमारा बेडरूम है, जिसका साइज 10 फिट 1 इंच बाई 12 फिट है, जिसमें ये बेड, और ये हमारा वार्डरोब, और ये हमारा TV यूनिट रहेगा। यहाँ से आप एंट्री करते हैं, ये हमारा दूसरा बेडरूम है, जिसका साइज 10 फिट 1 इंच बाई 13 फिट है, जिसमें ये बेड, ये हमारा वार्डरोब, ये हमारा TV यूनिट, और यहाँ वेंटिलेशन के लिए विंडो दे रखा है, और पीछे OTS में जाने के लिए ये हमने बेडरूम से गेट दे रखा है। दोनों बेडरूम से गेट दे रखा है, और दोनों के लिए यहाँ बैक साइड में हमने कॉमन टॉयलेट प्लान किया हुआ है 5 फिट बाई 6 फिट का। अब बात करते हैं दूसरे फ्लैट की। तो यहाँ आएंगे आप, एंट्री करते ही सेम ये हमारा लॉबी एरिया रहेगा, 8 फिट 3 इंच बाई 10 फिट 7 इंच का। इस कॉर्नर में टेम्पल रहेगा, और यहाँ हमारा ओपन किचन रहेगा 7 फिट बाई 7 फिट 3 इंच का, जिसमें ये हमारा प्लेटफॉर्म, और यहाँ फ्रेंड्स OTS रहेगा, जिसमें हमारा किचन का विंडो रहेगा। और यहाँ से आप एंट्री करते हैं, तो ये हमारा कॉमन टॉयलेट रहेगा 4 फिट 6 इंच बाई 7 फिट का, जिसका वेंटिलेशन भी OTS में रहेगा। और यहाँ से आप एंट्री करते हैं, ये हमारा पहला बेडरूम रहेगा, जो कि फ्रंट पर है, 10 फिट 1 इंच बाई 13 फिट का, और इस साइड हमारा दूसरा बेडरूम रहेगा 10 फिट 1 इंच बाई 13 फिट का, जिसमें ये हमारा बेड, ये हमारा TV यूनिट, और ये हमारा वार्डरोब रहेगा। यहाँ वेंटिलेशन के लिए विंडो रहेगा, और आगे की तरफ दोनों बेडरूम से हमने गेट दे रखे हैं बालकनी में जाने के लिए, और ये जो विंडो है एलिवेशन में इनका शानदार लुक दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 22 फिट बाई 60 फिट का बहुत ही शानदार नक्शा दो भाइयों के लिए। आपके लिए नक्शा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।